हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल निशा भोपाल ब्लॉगर में। तो यहाँ पे जो है हम लोग ब्रेकफास्ट में जो है एक टोस्ट बना रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा जो है वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं ब्रेड को अच्छे से सेंक रही थी, और इसमें आप कुछ भी सेंकने के लिए आप बटर ले सकते हैं, या फिर तेल से, घी से, जिससे भी आपको ब्रेड को सेंकना है आप उससे सेंक सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने घी लिया है, और घी से जो है मैं इसको सेंक रही हूँ। यहाँ पे किट्टू जो है ना, मतलब मुझे कह रही थी कि मुझे भी खाना है आज, मतलब कि खुद ही अपने मर्जी से कह रही थी। हमेशा उसको बोलना पड़ता है, पूछना पड़ता है उससे, लेकिन आज खुद बोलती है कि ना मुझे ब्रेड टोस्ट खाना है, एक टोस्ट खाना है। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो बना देते हैं। तो बस वही बना रहा है, और एक साइड में जो है ना पानी को उबाल रही थी मैं, क्योंकि ना किट्टू के पैर में ना एक फुंसी हो गई है। तो डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने ना मतलब एक ड्राई वाटर दिया है, ड्राई सिरप दिया है सॉरी, तो उसमें जो है पानी को उबाल के और फिर ठंडा करके फिर मिलाना है। तो बस उसलिए मैं पानी को उबाल रही थी ताकि अच्छे से जो है उबल जाए, और फिर उसके बाद उसको जब वो ठंडा हो जाएगा तब वाटर में मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देखोगे ब्रेड भी जो है हमारे अच्छे से सिक चुके हैं, देखो। और मेरे को ना थोड़ा सा मतलब डार्क अच्छा लगता है सिक्का, मतलब ज़्यादा सिक जाता है ना जब तब अच्छा लगता है। और ये देखो ये बैठ, ये खड़ी हुई, वो वेट कर रही है कि कब बनेगा और मैं कब खाऊंगी। तो बस उसी के लिए जो है बना रही हूँ वहाँ पे मैं। तो ये देखो, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हमारे ब्रेड सिक चुके हैं। यहाँ पे जो है एग के लिए जो है मैंने थोड़े से कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें ये इलायची बोल रही हूँ काली मिर्च पाउडर है, जिसको मैंने काली मिर्च को जो है ना मैंने पीस लिया है, और हल्का खुरदरा थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा सा नॉर्मल पीसना, ज़्यादा चिकना नहीं पीसना। और यहाँ पर 4 अंडे हैं, और ब्रेड सारे सेंक लिए। ये एक अंडे का बना रही हूँ मैं, आप चाहो तो 2 का बना सकते हो, 3 का, जितने का आपको बनाना है। मैं 1 अंडे का बना रही हूँ, क्योंकि किट्टू के लिए ना 1 अंडे ही बहुत है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा गरम मसाला, आपके पास चाट मसाला आप वो ऐड कर सकते हो, गरम मसाला ऐड किया है मैंने, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, ठीक है, धनिया पाउडर बोल रही हूँ यार, कौन सा पाउडर था, काली मिर्च पाउडर, ये देखो काली मिर्च का ये पिसा हुआ, थोड़ा सा ये भी ऐड कर दिया मैंने। हाँ तो वो वही था, गरम मसाला था और लाल मिर्च और धनिया ऐड नहीं किया मैंने, ठीक है। धनिया कॉमन है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और एक हाथ में ट्राईपॉड पकड़ी हुई है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसको मिक्स करने में, बट कोई ना, हो जाएगा। तो ये बस इसको जो है अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, और इसमें ना कुछ भी नहीं ऐड करना, बस सिंपल बस इतना ही ऐड करना है, और नमक ऐड करना है ना, तो नमक मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे बस फिर से जो है आपको ऑयल से, बटर से और घी से, जिससे भी आपको इसको फ्राई करना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना देखो इसको ऐड कर दिया, अब इसको जो है अच्छे से जो है फैल जान देंगे। तो एक अंडा है ना, तो इसलिए ज़्यादा तो फैलेगा नहीं है, तो और चम्मच से करी थी बट नहीं होगा वो, क्योंकि वो अच्छा तवा जो अच्छा गर्म था। फिर यहाँ पे जो है इसके ऊपर ब्रेड रख दूँगी मैं कुछ इस तरीके से, ये देखिए आप इस तरीके से ब्रेड रख देंगे। अब इसको जो है थोड़ा सा हम सेट होने देंगे इस तरीके से, चम्मच की हेल्प से इसको थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये अच्छे से जो है सेट हो जाए, देखो कुछ इस तरीके से। तो सब लोग अलग अलग तरीके से जो है हर चीज़ बनाते हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है, और थोड़ा सा है वही काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ऐड किया, और इसके बाद जो है हम इसको पलट देंगे, ब्रेड को ब्रेड के ऊपर रख देंगे कुछ इस तरीके से, ये देखिए। बट मुझे जैसा बनाना था ना वैसा नहीं बनाई है, अब इस सेकंड वाला देखना वो अच्छा बन गया था, तो ये फर्स्ट वाला कुछ ऐसा बना है। तो किट्टू को जो है ना सिंपल सा खाना था, तो बस उसके लिए, बट ना उसने फिर मना कर दिया, बोलती कि मेरे को ना सॉस वाला खाना है, और मेरे को चाहिए था रेड केचप वाला, मतलब कि रेड सॉस मुझे ऐड करना था, और उसको चाहिए था सिर्फ टोमेटो केचप या तो टोमेटो सॉस, वो चाहिए था उसको, तो इसलिए फिर मैंने
उसके लिए फिर दूसरा बनाया था। ये वाला मेरा हो गया क्योंकि मैंने इसमें काली मिर्च वाला जो पाउडर है वो डाल दिया था, तो उसको ना बहुत तीखा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये वाला अपने लिए रख लिया था। पिट्टू के लिए अभी मैं दूसरा बनाऊँगी क्योंकि उसको ना ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए, है ना, तो इसलिए ये वाला मैं रख लूँगी अपनी, मैं खा लूँगी बाद में। और इसको अच्छे से जो मैं सेक रही हूँ देखो जिस तरीके से, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत शानदार लगता है खाने में, हल्का ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, जल्दी से बन जाता है और ब्रेकफास्ट के लिए बिल्कुल सही है। चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ आप ले सकते हैं इसको सुबह नाश्ते में। अब इसमें ना मैं रेड सॉस लगा रही हूँ, रेड चिली सॉस, और इसको जो है ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लगाऊँगी ब्रेड में ताकि ज़्यादा भी तीखा ना हो जाए, तो बस कुछ इस तरीके से। ये देखिए हमें जैसा अच्छा लगता है ना उस तरीके से बना रही हूँ, ऐसा आप लोग जज मत करना कि इसको ऐसा बनाना था, इसको मुझे मालूम है कैसे बनाना है, बहुत सारे तरीके होते हैं बनाने के, बट मुझे सिंपल खाना था तो बस इसलिए मैंने सिंपल तरीके से इसको बनाया है, है ना। जैसा मन है वैसा इंसान अपने लिए बनाता है खाने के लिए, ठीक है, तो बहुत तरीके से बनते हैं, मुझे हर तरीके से बनाना आता है क्योंकि मैं ना इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ, मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, मैं अलग अलग रेसिपी जो ट्राई करती रहती हूँ, तो बस ये वाला मुझे सिंपल बनाना आता तो मैंने आज सिंपल बनाया है, ठीक है। आप लोग कमेंट करोगे ऐसा बनता है वैसा बनता है इसलिए मैं आप लोगों को बताई। ये मैंने किट्टू के लिए बनाई, देखो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से जो है बनाई, बिल्कुल सेफ में। और अब इसमें जो है मैं ना सॉस लगा दूंगी किट्टू के लिए, क्योंकि पिछली बार ना मैंने उसमें इलायची बार बार इलायची आ रही है मुँह पे, काली मिर्च पाउडर जो है मैंने डाल दिया था ना तो तीखा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको अपने लिए रख लिया था। तो ये वाला किट्टू का हो गया, और अभी ग्राहक आ गए थे, मैं दुकान में बैठी हुई हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये वीडियो एक दिन पुराना है और आज जो है ये वीडियो जाएगी शाम को, आज क्या है सैटरडे है, आज 16 तारीख है ना, तो आज इवनिंग में ये वाला ब्लॉग आएगा। और आप लोग जो है प्लीज़ सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी अभी मेरे चैनल जो है अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि मैं ना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, बट हाँ एक दिन छोड़ के मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा जो है सपोर्ट करिएगा। और अभी देखिए बन चुका है ये, अब इसमें मैं सॉस लगा देती हूँ किट्टू के लिए, तो किट्टू खा लेगी, ज़्यादा सॉस भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो ज़्यादा ही सॉस हो जाता है ना तो फिर वो खाती नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ही लगाऊंगी, बाद में उसको लगेगा तो वो बाद में भले से और ले लेगी, है ना, क्योंकि बच्चों का होता है ना जैसे उनको खाना रहता है उनके हिसाब से ही बनाना होता है, तो वो केचप ना ऐसे रूखा खा लेती है, अगर आप ब्रेड में लगा के दोगे ना तो नहीं खाती, वो बहुत कम खाती है, तो इसलिए ना मैंने इसमें थोड़ा सा लगाया है, बाकी अगर उसको चाहिए होगा तो मैं ऊपर से उसको और दे दूँगी, साइड में रख दूँगी तो वो खाती रहेगी बस। तो ये देखिए, और एक हाथ में मोबाइल पकड़ी हुई हूँ ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो इसलिए भी जो है क्लियरली मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, और हल्के फुल्के नाश्ते के लिए सही है, हल्का फुल्का क्या हैवी हो जाता है यार, दो खा लोगे पेट भर जाएगा मेरा तो भर जाता है भाई, पेट दो खा लूँगी पेट पूरा भर जाता है। तो देखिए रेडी हो चुका है, ये देखिए कुछ इस तरीके से कैसा लग रहा है, आ जाइए आप लोग भी। अरे देखे आओ ना, तो मुझे गीला कर रही हो, देखे आओ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी पापा देने, लो तुमसे मांगे तुम देखे आओ, लो जल्दी जाओ, देखा किट्टू को दुल्हन बने घूम रही है, उसको ना बहुत पसंद है मेरा दुपट्टा लेके ऐसे ओढ़ के वो बैठने का, डांस करती रहती है, सॉन्ग लगा लेती है मोबाइल पे और डांस करती रहती है। तुम इधर आओ ना, तो इधर आओ, थोड़ी ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ हाय यादें भी कैप्चर हो गई, देखिएगी बड़ी होके कि मैं ऐसे ऐसे करती थी यकीन नहीं होगा इसको, है ना हम लोगों की तो कुछ भी यादें नहीं है बचपन की, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह थे वो भी हमारे भाई साहब ने मूछें बना दिए हैं उसमें तो सब ख़राब हो गई हैं, और बहुत
सारी फ़ोटोज़ थी बट सब ख़राब हो गई हैं। उस समय ना केयर भी नहीं करी हम लोगों ने। मेरी बेटी है ना, देख के लगता है क्या, उसके बातों से ना सबको पता चल जाता है कि मेरी बेटी है वो। चलिए ठीक है फिर, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। छोटी सी जो है ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग था और उसमें छोटी सी मैंने रेसिपी डाली है और अपने हिसाब से बस रेसिपी क्या बस मैं बना रही थी तो मैंने वीडियो शूट कर लिया। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल के साथ। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।